मैं आज बताऊंगा कि ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन कैसे करेंगे अपने से, और ऑनलाइन दाखिल खारिज करते समय किस किस गलतियों से सावधान रहना पड़ेगा, क्या गलती एक मिस्टेक से आपका आवेदन साल भर पीछे चला जाएगा और साल भर से पहले फिर दोबारा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, और एक गलती के कारण आपका जो दाखिल खारिज है वो साल भर के बाद अगला साल होगा और आवेदन कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है, इस सभी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल श्री राम फायर सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए सब्सक्राइब की बटन है, इसे दबा दे एंड बगल में बेल की घंटी है इसे दबा दे, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके मेल पे ही मिलता रहे और आप अपने मेल से ही देख सकते हैं सारी वीडियो। सबसे पहले जो आप ब्राउजर यूज करते हैं उसे खोल लेंगे, खोलने के बाद हमें सिंपल सा एड्रेस बार में टाइप करना है ओके, यहाँ पे bihar.gov.in ये टाइप करने के बाद सिंपल आपको ये डैशबोर्ड इसका खुल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डैशबोर्ड है वो खुल गया है और हमें सिंपल इसे नीचे थोड़ा करना है, नीचे करने के बाद हमें सिंपल देखिए नीचे दिख रही है ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन करें तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर एक आपका लॉगिन डैशबोर्ड खुल जाएगा, आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर यहाँ पे जो कैप्चर कोड है उसे आप टाइप कर दीजिए। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, टाइप करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा, उसके पास सिंपल हमें थोड़ा नीचे जाना है तो सामने देखिए ऑनलाइन अप्लाई फॉर मेट्रिकुलेशन ओके, तो हमें सिंपल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट का में आप जमीन है डिस्ट्रिक्ट का नाम चुन लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के नाम चुनने के बाद सिंपल सा जो डिस्ट्रिक्ट में जमीन है डिस्ट्रिक्ट का नाम चुन लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के नाम चुनने के बाद आपको अपने पंचायत का नाम चुनना है, पंचायत का नाम चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई न्यू मेट्रिकुलेशन ओके, तो यहाँ पे अप्लाई न्यू म्यूटेशन पे क्लिक करना है। म्यूटेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे खुल गया है एक न्यू डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन म्यूटेशन। ऑनलाइन म्यूटेशन के पर यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद सिंपल हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है ओन एप्लीकेशन। ओन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आना है और जिस नाम से रजिस्टर्ड हुआ है उनका इस पर यहाँ पे नाम टाइप करना है। चलिए उनका नाम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद सिंपल हमें यहाँ पे उनका पिताजी का नाम जो भी है वो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डाल देते हैं, अगर पिता है तो पिता डालेंगे, हस्बैंड है तो हस्बैंड टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैशियर सेलेक्ट करेंगे ओके, कैशियर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विलेज के नाम डालेंगे। विलेज के नाम डालने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद अब जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए,
डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपका जो स्टेट है वो डाल दीजिए। स्टेट डालने के बाद आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अप्लाई करने वाले का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ओके, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे म्यूटेशन टाइप करना है। यहाँ पे सिंपल टाइप करना है सेल एंड परचेज, वो टाइप करने के बाद सिंपल थोड़ा और नीचे करना है। नीचे करने के बाद अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोकेशन चेंज है तो चेंज करके यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके, डॉक्यूमेंट टाइप पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल पे आ गए। ओके, डॉक्यूमेंट डिटेल पे आपका जो दस्तावेज का नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। दस्तावेज का जो नंबर है वो लिख लेते हैं। उसके बाद लास्ट स्टडी कब हुआ था वो टाइप कर लेते हैं। कितना अमाउंट है वो अमाउंट टाइप कर लेते हैं। कोर्ट का नाम क्या है, कोर्ट का नाम लिख दीजिए। कोर्ट के नाम लिखने के बाद सिंपल थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ खरीदने वाले का डिटेल मांगा जाता है। चलिए खरीदने वाला के डिटेल डाल देते हैं। खरीदने वाले का डिटेल डालने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे उसके पिताजी का नाम डालना है, तो उसके पिता का नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं। पिता के नाम डालने के बाद यहाँ पे रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, तो रिलेशन टाइप कर लेते हैं। और रिलेशन टाइप करने के बाद कौन सी जाति में है वो जाति का नाम डाल देते हैं। ओके, जाति का नाम चूज यहाँ पे सेट कर लिए। बहुत सारे जाति का नाम दिया हुआ है और आप अपने हिसाब से वो चुन लीजिए। चूज करने के बाद आपको पुरुष है तो पुरुष है और महिला है तो महिला का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसका एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद सिंपल थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलर डिटेल आ जाएगा। सेलर डिटेल मतलब जिसने बेचा है उसका नाम, यहाँ पे उसका सारे डिटेल टाइप करना है। चलिए टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे नाम पर क्लिक किए है, नाम उसका बेचने वाले का नाम डाल देते हैं, बेचने वाले का पिता का नाम डाल देते हैं। डालने के बाद रिलेशन क्या है वो डाल देते हैं। रिलेशन के बाद जो भी जाति का आते हैं वो जाति यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लीजिए, ये बहुत सारे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपल जो भी है स्त्री या पुरुष है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसका लोकेशन यानी उसका एड्रेस चुन लेते हैं। एड्रेस चुनने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्लॉट का डिटेल डालते हैं। यहाँ पे प्लॉट डिटेल, जमीन का डिटेल, तो ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे अपना हल्का चुनना है। हल्का चुनने के बाद सिंपल सा यहाँ पे अपना मोजा है, जो मोजा में जमीन है मोजा चुनना है। मोजा चुनने के बाद यहाँ पे जो प्लास्टरी ऑफिस है वो चूज करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का डिटेल मांग रहा है, जैसे आपका जमीन का डिटेल मांग रहा है, तो चलिए जमीन का डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। सही सही डालिएगा, यहीं पे मेन फोरम है, सही सही डालिएगा, कहीं पे गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन साल पीछे चला जाएगा। जो भी आपका खाता नंबर है वो खाता नंबर डाल दीजिए। प्लॉट नंबर है वो डाल दीजिए। कितना जमीन अगर आपका जमीन एकड़ में है तो मान लेते हैं 5 एकड़, 10 डिसमिल है तो यहाँ पे 5 एकड़
डाल दिए, ये डिस्मिल में 10 डिस्मिल डाल दिए। अगर सिर्फ आपका जमीन सिर्फ डिस्मिल में है तो एकड़ में यहाँ पे जीरो कर देंगे और डिस्मिल में जितना डिस्मिल है वो डिस्मिल यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके, ये सब करने के बाद यहाँ पे चौधरी के नॉर्थ में किसका नाम है, यानी चौधरी के उत्तर में किसका जमीन है, उस जमीन वाले का नाम टाइप कर देते हैं। ओके, टाइप करने के बाद उस साउथ में चौधरी के यानी चौधरी के दक्षिण में किसका नाम है उसका नाम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे चौधरी के ईस्ट में यानी चौधरी के पूर्व में किसका जमीन है उसका नाम डाल देते हैं। उसके बाद चौधरी के वेस्ट में यानी चौधरी के पश्चिम में जिसका नाम है उसका नाम डाल देते हैं। ये सब डालने के बाद सिंपल यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, जो आप दस्तावेज डाउनलोड किए हुए हैं, जो दस्तावेज आपने पीडीएफ में मर्ज किए हुए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और आप सीखना चाहते हैं कि सभी पीडीएफ फाइल को एक अलग मर्ज कैसे करें तो वीडियो इसमें है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। वीडियो मैं बनाया हूँ, आप यूट्यूब चैनल से नाम फास्ट सर्विस पे जाके आप देख सकते हैं कि वीडियो को कैसे यानी पीडीएफ फाइल को कैसे मर्ज करें। तो मैं बता देता हूँ, मैं स्कैन करके सब रखा हूँ, ये देखिए मैं स्कैन करके रखा हूँ पहले से, पूरे के पूरे दस्तावेज है। तो इसी तरह आप स्कैन करके एक फाइल में मर्ज कर लीजिए और मर्ज करने के बाद इसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। ओके, अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपल जो यहाँ पे बगल में दिख रही टेक्स्ट, वो टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं। टेक्स्ट डालने के बाद सिंपल यहाँ पे कंडीशन पे क्लिक कर देते हैं। और कंडीशन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सेव पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा नीचे थोड़ा करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल आ गया, रिसीविंग दे दिया। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं और हमारा ये देखिए ये रिकॉर्ड पूरा सक्सेसफुल हो गया, पूरा डिटेल जो है वो आ गया यहाँ पे। ओके, और हमें रिसीविंग निकालना है तो बगल में दिख रहा है प्रिंट रिसिप्ट, तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद एक बटन पे और वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये देखिए आपका रिसीविंग निकल गया है। और आपका बाद नंबर जो भी है यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एवं दोस्तों अपने परिवारों के साथ अवश्य शेयर करें। एंड अभी तक आपने YouTube चैनल श्री राम फास्ट सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दे, जिससे कि आने वाली वीडियो ऑटोमेटिक आपके मेल पे ही मिलता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और जब तक करिए जय हिंद जय भारत।